ये चेक करें ग्लो, स्किन कितनी अच्छी हो रही है। अभी फेशियल हेयर्स उतर जाएंगे तो फिर और अच्छी लगेगी स्किन, ज्यादा नीट हो जाएगी। हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो मैं हूं जी हरीम और आप देख रहे हैं ग्लो विद हरीम जी। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग अ लिटिल रिव्यू, ठीक है? आई डोंट नो अगर लिटिल होगा या लॉन्ग होगा, बट मैं रिव्यू करने वाली हूँ चिल्टन प्योर के ग्लो फेशियल किट पर, जो कि लगती है कुछ ऐसे। ये है ग्लो फेशियल किट चिल्टन प्योर का, कुछ मंथ्स पहले लॉन्च हुई है, तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना इस पर रिव्यू भी कर लूंगी। आई हैव बीन यूजिंग इट, इट्स नॉट लाइक कि ये मेरी पहली बार मैंने यूज किया है, बट आई जस्ट गिव अ रिव्यू, इज इट वर्थ इट और नॉट, एंड इसी बहाने हमारा फेशियल भी हो जाएगा। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर फर्स्ट स्टेप है क्लेंजर, ठीक है? इस क्लेंजर पर लिखा हुआ है कि ये डीप क्लेंजिंग है, एक्नी फाइटिंग है एंड सूदिंग है, ठीक है? सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं हर जार के नाम लेड पर। खोलते खुशबू मुझे अच्छी नहीं लगी, बिकॉज बहुत ही बबल गम या फिर मेडिसिन टाइप की स्मेल है, अच्छी नहीं लगी खुशबू। सो खुशबू वाइज आई डोंट लाइक इट, बट अदर देन दैट सही है। ओके, मैं थोड़े से टिप्स आपको दे दूं। जब भी फेशियल करते हैं पानी के साथ फेशियल बिल्कुल भी नहीं करना है, आई प्रेफर कि आप रोज वाटर में करें। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक्चुअली स्प्रे बॉटल नहीं थी। स्प्रे बॉटल अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, अभी एक्चुअली आई डोंट हैव वन, तो मैंने इस डब्बे में रोज वाटर डाल दिया है एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इट। और इसी ग्लो फेशियल के साथ नी का स्पंज भी आता है, स्पंज भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है? बिल्कुल भी कड़क छड़क नहीं है। सो ओके, लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप। तो बेसिकली हम अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, क्योंकि क्लेंजिंग में जितना हाथ आपका यू नो रनी होगा उतना ही अच्छा होगा। गाइस ये काफी अच्छा फेशियल है एंड आई हैव बीन डूइंग इट, इट हैज बीन लाइक 4 मंथ्स दैट आई एम यूजिंग इट एंड इसके। चलिए अभी हम लोग सेकेंड स्टेप पर जा रहे हैं। ये है ग्लो फेशियल का स्क्रब, ठीक है? ये इस पे लिखा हुआ है कि बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन, डीप एक्सफोलिएटिंग एंड डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। मैंने अपने फेस को क्लेंज कर लिया है, मेरा फेस थोड़ा वेट है क्योंकि हमें गीले मुंह पे ही स्क्रबिंग करनी है। इसकी भी इसकी खुशबू इतनी बुरी नहीं है, आई डिडंट लाइक द फर्स्ट प्रोडक्ट स्मेल, सारे थोड़ी बबल गम टाइप की खुशबू आती है। यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा है ना, तो इसलिए माय स्किन नीड्स हाइड्रेशन एंड ऑल्सो दिस प्रोडक्ट पता नहीं क्यों जम रहा है। आई थिंक क्लाइमेट की वजह से, लाइक यहाँ पर सर्दी है और पाकिस्तान में गर्मी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ओके। हमने अभी अपने पूरे फेस पर स्क्रबिंग कर दी है। स्क्रबिंग के लिए अगेन आप लोगों ने नेक पर स्क्रबिंग नहीं करते, ठीक है? आई जस्ट सजेस्ट स्क्रबिंग आप अपने फेस पर करें, नोज एरिया पे करें और हेड पे करें, जिधर छोटे छोटे आपको दाने बन जाते हैं। भी कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता है, जितना मसाज अच्छा होता है उतना ही रिजल्ट फेशियल का अच्छा। मैंने सेकेंड स्टेप कर लिया है जो था स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है, जितना भी टेक्सचर था वो सब उतर गया है। आई रियली लाइक स्क्रब, ओके? बहुत ही अच्छा स्क्रब है, हाइड्रेटिंग है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, इट्स अमेजिंग, ओके? तो अभी हम लोग थर्ड स्टेप पर हैं, विच इज द मसाज क्रीम, ओके? मसाज क्रीम बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, ओके? बिकॉज इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है
एंड ऑल्सो ये फेस को इतना हाइड्रेटेड रखती है फॉर डेज. ओके, मतलब एक हफ्ते तक मेरी स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील करती है. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. तो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, रिजुविनेट स्किन, प्रोवाइड्स ग्लो टू द स्किन एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह कम करेगा, ग्लो भी प्रोवाइड करेगा. और क्या चाहिए भाई हमें. ऑलराइट, सो आई एम गोना टेक द मसाज क्रीम. इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे पेट्रोलियम जेली होती है ना, ऑलमोस्ट लाइक दैट बट वैक्सियर, यू नो. बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर मुझे लगता है. हम इसको 15 टू 20 मिनट्स अपने फेस पर रहने देंगे एंड देन वी आर गोना वॉश इट ऑफ. मुझे कोई बर्निंग नहीं हो रही, मैंने कर लिया है स्टेप नंबर 3 जो था मसाज. एंड अभी हम लोग करेंगे इनकी फेस पॉलिश. जस्ट टू लेट यू नो, इनके सारे प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है. सो ये आप हफ्ते में एक बार भी यूज कर सकते हैं, महीने में दो बार भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन. मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी. इट्स मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कोई भी मतलब केमिकल्स इसमें नहीं है और आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे. और एक केमिकल वाली खुशबू होती है ना, वो नहीं है इसमें थैंकफुली. तो इसके बेनिफिट्स है, रिड्यूसेस पिगमेंटेशन, एक्सफोलिएट्स द स्किन, स्किन पॉलिश में, ठीक है. एंड एंटी एजिंग है. एंटी एजिंग का तो मुझे पता नहीं, बट मेरी पिगमेंटेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है इससे एंड स्किन भी बहुत शाइनी एंड ब्राइट लगती है. तो ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है. बट इसमें छोटे छोटे दाने जैसे हैं, लाइक जैसे स्क्रब था उस टाइप का, बट स्क्रब से भी छोटे छोटे दाने. तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है. फेस पॉलिश हो गई है ड्राई और अभी हम लोगों ने इसको रिमूव करना है. बट आई सजेस्ट आप पहले थोड़ा सा रोज वाटर लेके इसको स्क्रबिंग मूवमेंट में इसको उतारें तो वो बेस्ट होगा. और उसके बाद आप स्पंज यूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव इट. बट फर्स्टली इसको हल्का हल्का मैं स्क्रब करूंगी. इससे जो है ना आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है फेस पॉलिश का. तो ये हम जल्दी से कर लेंगे स्क्रबिंग हल्की हल्की सी. अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड एक्टिंग प्रोन है अगेन तन है तो फिर आप नहीं स्क्रबिंग करेंगे, ज्यादा रगड़ेंगे नहीं स्किन को. बट मैं कर रही हूँ, मेरी स्किन सही है, अल्लाह का शुक्र है. उसको हमने अच्छे से कर लिया है स्क्रबिंग, सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे करना. अंडर आई एरिया पे भी कर सकते हैं, नोज पे. कसम से बहुत अच्छा फेशियल है. ओके, मैंने इसको भी कर लिया. अभी मैं स्पंज लूंगी और स्पंज से इसको रिमूव कर दूंगी. Right, so I have washed my face. Just gonna dry it now. Face polish result आपके सामने है, काफी अच्छा है. मेरी स्किन इतनी ब्राइट हो गई है, टू शेड्स लाइटर लग रही है एंड काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ. कोई कुछ भी मतलब बर्निंग कुछ भी नहीं हुई. चले अब हम इसके फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं, विच इज मड मास्क. स्किन इलास्टिसिटी को ये एनहांस करता है, बूस्ट करता है नेचुरल स्किन ग्लो को एंड सूद करता है स्किन, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्क्रबिंग की, पॉलिश लगाया एंड मसाज वगैरह जो भी किया ना, तो इसे थोड़ा कॉम डाउन करता है स्किन को. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक द मसाज क्रीम. इसका टेक्सचर भी इतना बटरी है, इतना अच्छा है. इट्स अ मड मास्क एंड काफी ठंडा ठंडा फील कर रहा है. अभी मैंने लगाया ना, इट लुक्स लाइक किसी ने मेरे फेस पर जैसे आप मिंटी टाइप की नहीं होती, ठंडा ठंडा सा ऐसा फील हो रहा है. काफी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
ये भी हम लोगों ने अपने फेस पर 15 to 20 minutes रखना है, उसके बाद हमने वॉश ऑफ कर लेना है, फिर मैं आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट्स। राइट, तो एज यू गाइस कैन सी के 15 मिनट्स हो गए हैं, मास्क ड्राई हो चुका है मेरे फेस पर, अब मैं इसको वॉश करूंगी एंड देन हम लोग नंबर 6 पे जाएंगे। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है, सारे मेरे पोर्स थे, ओपन पोर्स, वो सब कुछ बंद हो गए हैं, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है फेस का। लाइक जब आप हाइड्रोफेशियल कराते हैं घर आते कैसा फेस हो रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। अभी हम इसका 6th and last step यूज करेंगे जो कि है इसका ग्लो फेशियल सीरम। ये सीरम काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये सीरम लगा के बहुत ग्लो आता है फेस पर, ये आप लोग यूज करें। जो इसका सीरम है ये आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है लाइक 3 डेज तक, सीरम लगाने के बाद फेस को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। अगर आप लोग वॉश करते भी हैं तो आप लोग कोई भी नहीं यूज करेंगे फेस वॉश और एनी क्लेंजर, आप लोगों ने जस्ट यही इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, इसकी भी स्वीट सी स्मेल है, इट्स नॉट बैड, आई रियली लाइक द स्मेल। सही सीरम लग गया। माई फेवरेट पार्ट जो इस फेशियल का है वो है फेस पॉलिश क्लेंजर द मसाज क्रीम, दिस सीरम एंड ऑल्सो द मास्क। जो स्क्रब था वो मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, बट सारे स्टेप्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने मसाज क्रीम दी हुई है फेस पॉलिश से पहले, विच इज ग्रेट। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग सी मतलब नहीं है बदबू जो होता है ना केमिकल्स टाइप की, तो आई एम ग्लैड वो सब कुछ नहीं है। तो इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। इनके मैंने काफी ज्यादा अदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे इनके ऑयल्स हैं या इनके लिप टिंट्स वगैरह हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसका ये फेशियल तो बहुत ही अच्छा है, सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ फेशियल किट जो आप यूज कर सकें, सो आई वुड रिकमेंड दिस वन। या आप ले लें, आपको सालों साल चलेगी, लाइक 1 to 2 years मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आप कितना यूज करते हैं। तो ये जो है बहुत ही रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप लोग फेशियल के स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं देन लेट मी नो, आई विल आल्सो शूट दैट फॉर यू। दिस इज जस्ट अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑन दिस फेशियल, काफी अच्छा है। चले इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, आई थिंक ऑल ओवर पाकिस्तान ये डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। जब मैंने खरीदा था इट वॉज लाइक 4000, आई डोंट नो अभी इसकी प्राइस क्या है, शायद 5000 हो, आई एम नॉट श्योर। जब मैं पाकिस्तान गई थी मैंने तभी मंगाया था, तभी मैंने खरीदा था वहां से, तो मैं यूज कर रही हूँ, काफी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस, दिस फेशियल इज अमेजिंग। मेरी स्किन टोन इसने इतनी ब्राइट कर दी है एंड फॉर 7 to 8 days आपकी स्किन इतनी अच्छी लगेगी आपको, यू आर गोइंग टू हैव लाइक यू नो दैट स्मूद एंड बेबी स्किन फीलिंग, लाइक ऐसे लगेगा आपकी स्किन सिल्क जैसी हो गई है। एंड या इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। आई एम गोना रिमूव माई फेशियल हेयर्स आफ्टर दिस, व्हेनेवर आई डू फेशियल आई यूज आई एक्चुअली लाइक डर्माब्लेड और आई थ्रेड, आई डोंट प्रेफर वैक्सिंग। इस पर मैं अदर वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आऊंगी आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर, तो तब तक लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Thank you.